चलिए इसमें हम इसका सात नंबर सवाल देखते हैं दिया इसमें ये हमारा टू ई का सात नंबर ये हम नंबर पढ़े थे और फिर हम इसका सात नंबर पढ़ेंगे तो इसमें दिया है निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए जैसे ये देखिए हमारा ये हमारा ये हमारा जीरो जीरो करके है लेकिन इसमें देखिए घात करके है तो इसको हम घात करके लिखे थे आंसर में और इसको हम जीरो जीरो करके लिखेंगे क्योंकि इसमें कहा है साधारण रूप इसमें कहा है वैज्ञानिक संकेत ये हमारा वैज्ञानिक संकेत है अगर आप कहेंगे कि ये तो मानव संकेत भी हो सकता है तो हो सकता है अगर आप कहें कि साधारण रूप में बदले तो इसको हम साधारण रूप में बदल के आपको दिखाते हैं तो इसमें हमारा कहा है पहले मैंने सवाल में निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए सात नंबर का सवाल है इसमें हमारा पूरे छः सवाल दिया है सात नंबर का छः दिया है हमारा तो हम पहला लगाते हैं तो चलिए आइए लगाते हैं तो दिया है इसमें पहले में दिया है हमारा दो दशमलव पाँच गुड़ते दस पर चार घात इसको हमें साधारण रूप में बदलना है तो हम इसको कर लेंगे तो देखिए हम बताए थे देखिए दो दो दशमलव दो दशमलव यहाँ पर है तो हम लिख लेंगे पच्चीस पहले हम दशमलव नहीं लगाएंगे हमें साधारण रूप में लिखना है तो हम दशमलव नहीं लगाएंगे और देखिए हमारा चार जीरो है तो हम बताते हैं आपको अगर देखिए मैं यहाँ पर समझा देती हूँ अगर दो दशमलव पाँच अगर हम चार जीरो करेंगे तो एक दो तीन ऐसे हम करेंगे ना तो पहले हम आपको बता देते हैं एक दो तीन चार देखिए हमारा रहोगे ना क्योंकि हम बताए थे दशमलव के बाद गिना जाएगा वैसे ही अगर हम एक दो तीन जीरो बढ़ा, बढ़ाएंगे यहाँ पर तभी ना हमारा यहाँ पर दशमलव लगेगा हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तभी ना यहाँ से गिना जाएगा तो हमारा चार आएगा तभी ना यहाँ पर चार घात है अगर यह लेकिन हमारा आंसर ये होगा क्योंकि कहा है हमारा साधारण रूप लेकिन अगर आपको समझा मैं आपको समझा कर बता देती हूँ कि अगर मान लो सवाल मान लीजिए कि सवाल में दे दिया है पच्चीस हजार को पच्चीस पर तीन ठो जीरो इसको कह दे कि वैज्ञानिक संकेत में लिखिए ये तो हमारा साधारण रूप में दिया लेकिन ये हमारा वैज्ञानिक संकेत में है पर हमें साधारण रूप में बदलना है तो हम इसको बदल लेंगे तो करेंगे इसका तो देखिए इसको करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा ये पच्चीस हजार है तो हम पहले बताए थे कि यहाँ से पहले स्थान पर दशम लगाएंगे इधर से दशम लगाएंगे यहाँ पर फिर यहीं से लेकर दाहिनी तरफ गिनेंगे तो एक दो तीन चार हमारा चार आया ना तो हो जाएगा टू पॉइंट फाइव गुरते टेन पर फोर हो जाएगा ना हमारा तो आगे न हमारा यही इसलिए हम पच्चीस पर तीन ठों जीरो लगा रहे हैं चलिए इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं इसमें ही हमारा दूसरा सवाल दिया है एक दशमलव सात पाँच घुड़ते दस पर छः घात इसको भी हम कर कर लेंगे तो हम करेंगे इसका एक सात पाँच इस पर हम पाँच जीरो लगाएंगे एक दो तीन चार पाँच देखिए हमारा छः है ना अगर कह दे साधारण रूप में बदलने के लिए यहाँ हम साधारण रूप में बदलने के लिए कह दें ऐसे सवाल दिया है अगर कह दे साधारण रूप में बदलने के लिए तो ये जो घात दिया होता है ना इसका एक कॉम ही लिखाता है जीरो ये छः दिया है तो हम पाँच जीरो लिखेंगे जैसे इस वाले सवाल में चार दिया तो हम तीन जीरो लिखे थे वैसे ही गिन लेंगे हम यही हमारा आंसर होगा मैं बता देती हूँ कैसे होगा देखिए एक सौ पचहत्तर एक दो तीन चार पाँच पाँच जीरो होगा तो यहाँ से दशमलव लगाएंगे ना लेकिन रुकीये ये हमारा पाँच जीरो नहीं चार जीरो होगा क्योंकि देखिए चार जीरो और ये दो संख्या भी गिना जाएगा ना इसलिए हमारा चार ही जीरो रहेगा ये देखिए तभी ना यहाँ पर जीरो नहीं होगा तो यहाँ से दसम लगाएंगे तो फिर गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः आ गया ना हमारे देहात में छः तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक सात पाँच चार ठो जीरो यही हमारा आंसर हो जाएगा चलिए हम इसका तीन नंबर सवाल देखते हैं तीन नंबर सवाल में हमारा दिया है इसमें तीन नंबर सवाल में ही ऐसे ही हमारा सवाल है मतलब हमारा छेठो सवाल दिया था तो अब अभी हम दो सवाल लगाए हैं चलिए तो इसका तीसरा लगाते हैं तो ये दिया है इसमें एक दस दो एक दूवे दस पर माइनस आठ दिया है हमारा तो हम बताए थे कि माइनस आठ होता है तो कैसे होता है तो देखिए माइनस आठ होता है तो हम बताए थे कि पहले जीरो लगेगा मतलब एक दो तीन चार पाँच छ एक दो ऐसे होगा चलिए हम आपको लगाकर बता देते हैं कैसे होगा चलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर हम छः जीरो क्यों बढ़ाएं मतलब छः जीरो क्यों लगेगा हम तो पाँच जीरो भी रख सकते हैं लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर मान लीजिए इसको उल्टा कर दीजिए अपने समझने के लिए इसको उल्टा कीजिए तो हम बताते हैं एक सौ इक्कीस हो जाएगा ना इस पर कितने जीरो लिए हैं हम छः एक दो तीन चार पाँच छः तो हम यहाँ से दशमलव लगाएंगे ना एक स्थान पर फिर यहाँ से दाईं तरफ गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आथ, आठ आ जाएगा ना हमारा लेकिन देखिए हमारा माइनस में है तो जीरो आगे रहेगा तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे जीरो तभी ना लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा इसको अगर हम अगर इसको हल करेंगे लेकिन हमारा कहाँ है साधारण रूप तो इसका हमारा साधारण रूप ये है अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा ये आएगा तो आपको हम हल करके बता देते हैं लेकिन हमारा ये आंसर यही लिखा जाएगा लेकिन मैं आपको हल करके बता देती हूँ कि इसको हल करने पर इतना आ जाएगा हमारा तो हल करते हैं हम तो इसको लिखेंगे ना हम इसका हो जाएगा हमारा एक सौ इक्कीस हो जाएगा और ये जीरो हमारा आगे हो जाएगा लेकिन देखिए यहाँ पर ए जीरो हम दशमलव हम कहाँ ले जाएंगे यहाँ पर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहले स्थान पर जाएगा इधर से क्योंकि इधर से गिनेंगे देखिए हम इसको पलट देते हैं ना इसको हम पलट देंगे जब तो हो जाएगा हमारा एक सौ इक्कीस एक, एक दो तीन चार पाँच छः पहले स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लेकिन हमारे ये यहाँ पर जीरो था तो हम माइनस लगा लेंगे तो हो जाएगा ना हमारा एक दशमलव दो एक तो एक दशमलव दो एक घुड़ते दस पर आठ होगा लेकिन हमारे यहाँ पर जीरो है, इसलिए माइनस आठ लगाएंगे अगर ऐसे लिखेंगे तो अगर इसको हल करेंगे ना तो हमारा इतना आ जाएगा ये हमारा नहीं होगा ये हम वैसे ही समझाने के लिए बताए हैं यही हमारा आंसर होगा अगर आपको ऐसे हल करके भी करना है ना तो आप एकदम आसान तरीका देखिए ऐसे कर लीजिएगा इसका जीरो दशमलव एक दो तीन चार पाँच छः एक सौ इक्कीस अगर इसको हल करेंगे ना जैसे हम हमें कहा जाए कि ये हमारा वैज्ञानिक देखिए ये हमारा साधारण रूप है अगर इसको भी कहा जाए वैज्ञानिक रूप में बदलिए तो इसका हो जाएगा हमारा एक दशमलव दो एक घुड़ते दस पर माइनस आठ घात देखिए आ गया ना हमारा अगर हम इसको वैज्ञानिक रूप में बदलेंगे तो हमारा इतना आएगा अगर हम इसको वैज्ञानिक रूप से साधारण रूप में बदलेंगे तो इतना आएगा तो है हाँ ही तो हम चलिए इसका चार नंबर सवाल देखते हैं तो चलिए आप हम इसका चार नंबर भी देख लेते हैं कि इसमें दिया है चार दशमलव पाँच गुड़ते दस पर माइनस पाँच घात इसको भी हम वैसे ही करेंगे पहले हम पहले जीरो लगाएंगे किताब में किताब में भी सवाल अगर माइनस में आंसर आता है अगर अगर आप करेंगे घात में माइनस आता है तो पहले जीरो दशमलव जीरो जीरो कुछ होगा तभी होगा सवाल में अंक तो चलिए अब इसको हम कर लेंगे तो करेंगे तो जीरो पॉइंट कितना जीरो बढ़ाएंगे ये देखिए हमारा पाँच है तो हम बताए थे कि पाँच अगर घात होगा तो इससे एक कम ही होगा मतलब यहाँ पर छह रहेगा तो हम पाँच जीरो लगाएंगे अगर चार जीरो पाँच जीरो है तो चार जीरो लगाएंगे एक दो तीन चार चार दशमलव मतलब चार मतलब चार पाँच पैंतालीस हो जाएगा हमारा अगर हम इसको हल करेंगे ना अगर वैज्ञानिक संकेत में बदलेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा अगर इसको साधारण रूप में बदलेंगे तो हमारा इतना आ गया चलिए इसका हम पाँच नंबर सवाल देख लेते हैं पाँच में हमारा दिया इसका दो दशमलव तीन घुड़ते दस पर माइनस सात घात इस पर हमारा दे दिया है माइनस सात घात तो हम इसको भी हल कर लेंगे तो कर लेंगे इसका जीरो दशमलव सात जीरो है तो हम छः जीरो लगाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः दो तीन हो जाएगा ना हमारा तो इसको हम कर लेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा अगर आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि यहाँ पर सात है तो हम एक कम जीरो बढ़ाएंगे ये जीरो आप कहीं क्यों बढ़ा रहे हैं लेकिन ये जीरो हमारा मान्यता में नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद है दशमलव के बाद वाली जीरो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दशमलव ऐसे लिखा जाएगा तो हमारा इसे आगे कोई संख्या रहता है जीरो कोई संख्या नहीं जीरो लगाया जाता है ताकि दशमलव आगे हो तो किसी के मतलब जीरो हो साथ में ये मान्यता वैसे नहीं होता है इतना ही होगा दशमलव के इधर वाला चलिए इसका हम छः नंबर भी सवाल लगा लेते हैं तो इसमें दिया है हमारा दो दशमलव पाँच गुड़ते दस पर माइनस चार का तो इसको भी कर लेंगे तो जीरो दशमलव चार जीरो है तो तीन जीरो बढ़ाएंगे एक दो तीन फिर दो पाँच यही हमारा आंसर हो जाए ये बहुत सरल सवाल है आप यहाँ पर समझने की बस बस है आप समझ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पर चार है तो तीन जीरो बढ़ेगा ये हमारा इतना ही हो जाएगा लेकिन अगर हमारा माइनस में आता है तो पहले हम जीरो जीरो करके लगाएंगे अगर यहाँ पर प्लस में दिया होता है तो पहले हमारा अंक रहेगा फिर जीरो जीरो, जीरो लगाएगा चलिए अब इसका हम आठ नंबर सवाल देखेंगे चलिए तो इसका हम देखते हैं टू ई का आठ नंबर सवाल तो आठ नंबर सवाल में दिया है हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नौ दशमलव एक जीरो सात गुड़ते दस पर माइनस अट्ठाईस ग्राम है इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु दशमलव ये हमारा दिया है क्वेश्चन में करके दशमलव तथा अंक नौ के बीच कितने शून्य होंगे ये हमारा पूछा है नौ के बीच कितने शून्य होंगे तो हम इसे हल कर लेंगे कितने शून्य होंगे तो करेंगे तो सवाल में दिया है हमारा नौ दशमलव एक जीरो सात घुड़ते दस पर माइनस अट्ठाईस घात तो हम कर लेंगे इसको पहले दशमलव हटाने के लिए बटा में सौ करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये हमारा तीन अंक है यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव है तो इसको दशमलव के लिए हटाने के लिए हम तीन जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा तीन अंक पर दशमलव है गुड़ते दस पर माइनस अट्ठाइस घात अब हम इसको कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा ए नौ एक जीरो सात गुड़ते बटा में एक हज़ार गुड़ते दस पर माइनस अट्ठाईस अगर हम इसे करेंगे नौ एक जीरो सात घुड़ते दस पर माइनस अगर हम एक हज़ार को दस पर क्यों भी लिख सकते हैं क्योंकि दस को तीन बार गुड़ा करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक हज़ार तो अब हम इसको कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा नौ एक जीरो सात घुड़ते दस पर माइनस अट्ठाइस और इसे ऊपर भेजेंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा घुड़ते दस पर माइनस तीन घात तो इसको कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा एक नौ एक जीरो सात घुड़ते इसको हम करेंगे तो हमारा माइनस में होगा इसको करेंगे तो हमारा माइनस ये जोड़ेंगे तो क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे तो आठ तीन ग्यारह का एक हासिल एक दो एक तीन तो हो जाएगा हमारा नौ एक जीरो सात घुड़ते दस पर माइनस इकतीस घात तो इसको हम हल कर लेंगे ये पूछा है हमारे सवाल में कि नौ के बीच की नौ के बीच कितने शून्य होंगे तो इसको हमें करना है तो कर लेंगे हम इसका नौ एक जीरो सात घुड़ते दस पर माइनस इक्कीस इकतीस घा इकतीस घात है हमारा सॉरी तो इसको करेंगे हम तो ये सवाल में कहा है ना कि नौ एक जीरो सात देखिए हमारा चार अंक है तो हम बताए थे अगर हम बताए थे कि देखिए ये अगर होगा तो देखिए ये चार अंक है हमारा ना तो ये चार अंक भी इकतीस में लिया जाएगा मतलब चार अंक है हमारा और कितना जीरो बढ़ाएंगे कि इकतीस हो जाएगा मतलब चार है चार में कितना जीरो बढ़ाएंगे कि इकतीस हो जाए चार में जीरो तो मतलब इकतीस में से चार हटाएंगे तभी तो ना पता चलेगा कि कितना जीरो हम बढ़ाएंगे कि इकतीस हो जाए चार तो हमारा इतना है इसे भी गिनेंगे क्योंकि हमारा गिना जाता है हम बताए थे आपको गिनेंगे इसे भी तो ये हमारा चार हो गया और ये हमारा इकतीस है तो पूरा मिलाकर हमारा इकतीस होना चाहिए लेकिन चार हमारा दे दिया है तो आधा कितना होगा चार हमारा दे दिया है और जितना आएगा उसको दोनों को मिलाकर चार और जितना हमारा आएगा इक्कीस में से चार जाएगा हो जाएगा हमारा सत्ताईस मतलब हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस मतलब हम सत्ताइस जीरो बढ़ाएँगे तब भी हमारा होगा देखिए हमारा होगा तभी देखिए इससे हम गिनेंगे आपको बताएंगे कैसे होगा देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस हमारा ये सब मिलाकर इकतीस हो गया ना हमारा ये सब मिलाकर इकतीस आना चाहिए हमारा चार ये अंक दे दिया था और कितना जीरो बढ़ाएंगे कि हमारा इकतीस हो जाएगा तो यही सवाल था हमारा तो कहाँ है नौ के नौ के बीच कितने जीरो हैं तो हम गिन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तीस छब्बीस सताइस तो हम अगर ना सताइस जीरो हो जाएगा हमारा क्योंकि देखिए अगर आपको ऐसे हल करने नहीं आता है तो हम बताते हैं ऐसे कैसे हल करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा अगर आप इसको अगर नौ के इधर जिसमें ये हमारा चार दे दिया है और सताईस जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा इकतीस हो जाएगा आप कहेंगे आगे क्यों बढ़ाएं पीछे क्यों नहीं बढ़ाएं क्योंकि देखिए हमारा ये माइनस में है तो माइनस में हम बताए थे कि हमारा बाएं तरफ ही लगेगा इसलिए यहाँ पर माइनस लगता है तो हमारा सताईस हो गया तो हमारे इसका आंसर सताइस हो गया क्योंकि हमारा सताईस जीरो लगाए हैं तो सताईस लगाए एक दो तीन चार पाँच छः सात इतना तो दिया ही था हम सताइस जीरो अपने से लगाए हैं इसलिए पूछा है हमारा कितना शून्य होगा तो हमारा सताईस शून्य होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा